पिछले एपिसोड में आपने देखा आशुतोष के सपने में एक छोटी लड़की आती है और उसकी जान बचाने की दरखास्त करती है। दूसरे दिन स्कूल कैंपस में उसी लड़की को देखकर आशुतोष हैरान रह जाता है। शाम के अंधेरे में एक अदृश्य तत्व नीतू का अपहरण करता है। आनंद जीवित है लेकिन उसकी दिमागी हालत नाजुक है। पुलिस को इन मामले में कोई सुराग नहीं मिल रहा। आशुतोष को खबर मिलती है कि नीतू का जहां से अपहरण हुआ था वहां पर भी कुछ गुब्बारे मिल गए हैं। आशुतोष का शक यकीन में बदल जाता है। अब आगे आशु क्या हुआ? सोनू का कुछ पता चला? नहीं। छोटा सा बच्चा आखिर कहां जा सकता है? पुलिस क्या कहती है? पुलिस को तो यकीन है कि किडनैपिंग का केस है। तुम्हें क्या लगता है? भगवान उस मासूम की रक्षा करे। न जाने सरला पर क्या गुजर रही होगी। एक ही तो बेटा है उसका। अशु मैं सरला से मिलके आती हूँ। हाँ ठीक है। राहुल तुम्हारी चाय। Oh, thank you, darling. राहुल ये सुबह से 20वीं चाय है। अब बस भी करो, प्लीज थोड़ा आराम कर लो। आराम करूंगा तो ये सब कौन करेगा? You come here. थोड़ा मसाज कर दे। Pooja, you know something? You are very sweet. मस्का बंद करो और ये बताओ नॉवल कब कंप्लीट होगी? कंप्लीट तो 3 दिन में करनी है पर अभी तक आधी भी नहीं पूरी हुई। 3 दिन? You think it's possible? I have to. ये publishers भी अजीब किस्म के लोग होते हैं। Writers को मशीन समझते हैं। You think it's easy to write a novel? कहते हैं कि अगर time में submit नहीं किया, publish नहीं करेंगे। Oh my poor baby. Come, let me take you out for lunch today. Yeah? Brilliant idea. वैसे भी मेरा fish खाने का mood कर रहा है। तुम चलो और तैयार हो जाओ, मैं 5 मिनट में last page खत्म करके आता हूँ। All right? Yeah. Hello. Hello, may I speak to Mr. Rahul Sawhney, please?
आप कौन बोल रहे हैं? राहुल, मैं आशु बोल रहा हूँ। आशु? I'm sorry, मैंने आपको पहचाना नहीं। राहुल, मैं आशु, आशुतोष धर, सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट, पंचगनी, कुछ याद आया? अरे हाँ हाँ आशु, अरे साले इतने साल के बाद तुझे मेरी याद आई, कहाँ है तू, क्या चाल है तेरे? राहुल वो आ गया। राहुल, राहुल मेरा यकीन करो, वो वापस आ गया। I'm 100% sure, राहुल। मैं बाकी सबको भी बुला रहा हूँ। तू आ रहा है ना? मुझे अपना वादा याद है ना? हाँ, तुम बाजी। मैं आ रहा हूँ। मैं कल सुबह नहीं पंच नहीं पहुँचा। करना है तुम नीचे जाओ, मैं बाद में आता हूँ। तुम्हें तो एक बोर्ड बना के देना, मैं उसके साथ खेलता हूँ। मैं अब तक बोर्ड नहीं बनानी आती। ठहरो, ये लो। भैया मम्मी कब आएगी? बाहर गई है, आ जाएंगे अभी। अच्छा देखो, ऐसे 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 हो। थैंक यू भैया। Thank you.
कहाँ गया? मम्मी मैं क्या बताऊँ, रोहित पूल में गिरा। पर तुमने उसे पूल की तरफ जाने ही क्यों दिया? तुम्हें मालूम है उसे अच्छी तरह तैरना नहीं आता। पापा मैं तो ऊपर पढ़ रहा था कि मैंने उसे पूल में गिरते हुए देखा, मैं भागा भागा नीचे गया तो वो वहां था ही नहीं। नहीं था का क्या मतलब, जमीन निकल गई, पानी खा गया। अरे तुम्हें किसी चीज का कोई ख्याल नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं? आखिर वो तुम्हारा छोटा भाई है, अगर तुम उसका ख्याल नहीं रखोगे तो फिर कौन रखेगा? इसे हजार बार समझाया है कि जब हम घर पे नहीं हो तो ये रोहित के साथ रहा करे, लेकिन इसे अपनी कहानियां लिखने से फुर्सत मिले तब ना। नुपुर, तुम्हें कौन सी फुर्सत रहती है अपनी शॉपिंग और किटी पार्टी से? देखो बेटे रिलैक्स, अच्छी तरह सोच कर बताओ आखिर हुआ क्या। पापा मैं पढ़ रहा था और रोहित मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, मैंने उसे बाहर जाकर खेलने को कहा, उसने मुझे एक बोट बनाने को कहा और मैंने बना दी। पढ़ते पढ़ते मैंने देखा कि वो पूल में गिर रहा है, मैं एकदम से नीचे गया लेकिन वहां कोई था ही नहीं। वहां कोई नहीं था? देखो बेटे सोच कर बताओ। पापा बोलो बेटे। मैंने पूल में कुछ बलून्स देखे थे। बलून्स? अच्छा बेटे तुम्हारी मम्मी के जाने के बाद क्या कोई घर में आया था? नहीं। एजी मुझे लगता हमारे रोहित को कोई उठा के ले गया, प्लीज अब पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं खुद पुलिस स्टेशन जाकर इन्फॉर्म करता हूँ। मार न टीचर के छिपे, बस प्यार 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 प्यार, न कुछ खोने का गम न पाने की खुशी,
न कोई गलत न कोई सही, यही है मेरी दुनिया बच्चे। आओ आओ हम चले वहीं। नहीं मैं नहीं आऊंगा। इन तुम सबको मेरे ही पास आना होगा। क्या बात है, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। तो फिर इतने परेशान क्यों? किसका फोन था अभी? पूजा मुझे पंचगनी जाना होगा। पंचगनी? तुम पागल तो नहीं हो गए? पूजा मेरा जाना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी सीरियस। सब ठीक ठाक तो है ना? नहीं लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा। राहुल मुझे बहुत चिंता हो रही है, प्लीज तुम मुझे सब बताओ। क्या बात है, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं छिपाया। पूजा जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता। ट्रस्ट मी, जस्ट ट्रस्ट मी। राहुल और रोहित का क्या होगा, तुम तो जानते हो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और फिर कल मेरे एड की शूटिंग भी है। पूजा तुम अपने एड को 2-3 दिन के लिए पोस्टपोन कर सकती हो। आई नो यू कैन हैंडल इट, प्लीज मैनेज इट फॉर मी। ओके अच्छा तुम ऐसा करो, मेरा सूटकेस तैयार करो, मैं रोहित से मिल के आता हूँ। ओके हो गए ना। देखो वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है।
जवान हो गए हो, लंबे तगड़े, पहले से और ज्यादा ताकतवर। छोटा कमजोर, देखो मुझे मार रहे हैं। तुम लोगों ने जैसे 15 साल पहले मुझे मारा था। Sure.